हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 जून से लेके 29 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Ace of Fire, High Priestess, Eight of Air, The Hermit, and the Moon. Okay. तो हमारे पास है High Priestess. I think Libra. High Priestess के साथ आप इस वीक में बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे कि आपको क्या चाहिए। एंड आई थिंक आप जिस पर्सन के साथ हैं इस वक्त रिलेशनशिप में, जो भी चैलेंजेस आपको महसूस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में आ चुके हैं या फिर आप किसी के बहुत क्लोज आते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। एंड अब आप सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पर्सन आपके लिए ठीक होगा या नहीं, क्या आपको इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए या आगे कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। हो सकता है ये कोई आपका एक्स हो जिसके बारे में आप अभी भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या कुछ जानना चाहते हैं। चाहे ये पर्सन जो भी है आपके केस में, आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा इस वीक में। एंड आपको कोई भी चीज़ होने से पहले ही पता चल जाएगी। आप देखेंगे कि इस वीक में आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको कॉल कर देगा या आपके घर पर आ जाएगा या फिर आपको कहीं इन्वाइट करेगा। आप किसी सॉन्ग के बारे में सोच रहे होंगे एंड हो सकता है कोई अचानक से वही सॉन्ग प्ले करना शुरू कर दे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी और आपको लगेगा कि जैसे आपका कोई दिमाग पढ़ रहा है या कुछ मैजिकल है इसमें। डेफिनेटली आपका सबकॉन्शियस, आपकी सोल आपसे बात करना चाह रही है, आपको ये बताना चाहती है कि आप जो भी सोच रहे हैं, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, हर चीज़ के बारे में उसे पता है। आपका हर सेल्फ आपको एक मैसेज देना चाहता है कि वो आपके हर एक थॉट को रिकॉर्ड कर रहा है और आपको वक्त आने पे ज़रूर रास्ता दिखाएगा। तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के साथ हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिए। ओके, आप कैसा फील कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किस तरीके से किसी पर्सन को देखते हैं। आपकी फीलिंग्स सिर्फ आपकी फीलिंग्स नहीं है, वो अपने आप में एक मैसेज है यूनिवर्स का। ओके, यहाँ पे एस ऑफ फायर का कार्ड है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो स्ट्रगल है, ये जो परेशानी है, ये कहीं ना कहीं आपको और आपके इस रिलेशनशिप को सिनेरियो से हटा देगी, यानी आप लूज कर देंगे ये फ्लेम अपने रिलेशनशिप की, ये जो कैंडल है वो बुझ जाएगा और सारी होप खत्म हो जाएगी, सब जगह डार्कनेस होगी और आप कुछ देख नहीं पाएंगे। अगर ऐसा आपको लगता है तो आप गलत है लिब्रा। ये आप लैम्प देख रहे हैं, ये लैम्प आपका हायर सेल्फ है जो आपको हर हाल में प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आपका इटरनल लव है अपने प्रति जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो टैरो आपसे कह रहा है किसी भी सिचुएशन में अपने फीलिंग्स को मत इग्नोर कीजिए, अपने आप को मत इग्नोर कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किसी भी सिनेरियो में अपने सेल्फ एस्टीम को या अपनी किसी भी ऐसी प्यारी चीज़ को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं, जिस भी केस आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्क करे। ओके, मून के कार्ड के साथ लिब्रा, यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो अभी सरफेस पे नहीं है, पर ये जो कुछ भी है ये आपको हार्म नहीं कर पाएगा। आपका हर सेल्फ आपको बताना चाहता है कि जो भी आपके इमोशंस है इस वक्त वो बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। एंड इस तरह के इमोशंस अक्सर हमसे गलत फैसले करवाते हैं। एट ऑफ एयर के साथ आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि फिलहाल आपको इस रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में भी देखना चाहिए। ओके, ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, आप दोनों के बीच एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो सकता है, ऐसा अट्रैक्शन जो शायद ना आपने पहले महसूस किया ना इस पर्सन ने। एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट लग सकते हैं, पर एट ऑफ एयर के साथ किसी भी सीन के पीछे जाके देखना जरूरी है कि क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे एट ऑफ एयर के साथ इनके कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं ऐसे, या इनके
आसपास के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं एंड इस पर्सन को ये कह रहे हैं कि शायद उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए. और आपका ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग में आगे है. ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहते. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए. हमारे पास है कार्ड हर्मिट का. हर्मिट के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी समझ नहीं आएंगी, इसलिए टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए ज़रूरी है एक ब्रेक, आपके लिए ज़रूरी है खुद के लिए समय निकालना, आपके लिए ज़रूरी है खुद को कट ऑफ करना इस सिचुएशन से. बिकॉज जितना ज़्यादा आप अपने आप को फोर्स करेंगे कुछ करने के लिए या कुछ आगे बढ़ाने के लिए, बात जब रिलेशनशिप की हो रही है, तो अगर आप खुद को फोर्स कर रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से संभालना ही है, इसको वर्क करना ही चाहिए, उतना ही चीज़ आपके लिए मुश्किल होगी. ओके, फिलहाल आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस हर्मिट मोड में जाएं, अपने इमोशंस के काम डाउन होने का वेट करें और उसके बाद शांति से सोचें कि क्या चल रहा है, क्योंकि सरफेस पे देखकर फैसला लेने का कोई मतलब नहीं है. एट ऑफ एयर के साथ पूरी की पूरी स्टोरी अभी बाकी है जिसका आपको जानना ज़रूरी है. ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. फोर ऑफ एयर, फाइव ऑफ फायर, सॉरी फोर ऑफ फायर एंड फाइव ऑफ फायर. फोर ऑफ एयर, तो फोर ऑफ एयर आ ही गया. टेम्पटेशन एंड थ्री ऑफ एयर. ओके, तो हमारे पास है फोर ऑफ फायर. फोर ऑफ फायर के साथ आई थिंक आप इस पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं. ये पर्सन भी इस वक्त यही चाहता है, पर फोर ऑफ फायर के बाद फिर फाइव ऑफ फायर भी है जिसका आप दोनों को ध्यान रखना होगा. यानी जो कमिटमेंट आप चाहते हैं वो है तो पॉसिबल, मगर इसके लिए अभी आपको एक लंबा रास्ता चलना है. ऐसा लग रहा है कि कुछ चैलेंजेस हैं जिसे आप दोनों को फेस करना पड़ेगा. इनफैक्ट इस पर्सन को कभी लगता है कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, उन्हें लगता है कि वो इन चीज़ों पर जीत सकते हैं. जो भी हालात है, जो भी ऑब्स्टेकल है, उसे वो पीछे छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं. पर फिर उन्हें नज़र आता है ये फोर ऑफ फायर, अकेलापन. उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी मनमर्जी करेंगे या अपने हिसाब से चलेंगे तो वो बहुत सारे लोगों को अपसेट कर देंगे. वो ऐसा करना नहीं चाहते और ये एक बहुत बड़ी परेशानी बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है. ओके, तो ये पर्सन अभी भी कन्फ्यूज है. हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दे फोर ऑफ फायर के साथ, बट फिर ये पर्सन कन्फ्यूज हो जाएगा. सोचेंगे, खुद ही सोचने लगेंगे इस पॉइंट पे कि क्या जो कमिटमेंट उन्होंने आपको दिया, क्या वो उसे पूरा कर पाएंगे. टेम्पटेशन के कार्ड के साथ यहाँ बहुत सारा फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत सारा लस्ट है, पैशन है एंड इमोशनल कनेक्शन मुझे उतना डीप नहीं नजर आ रहा जितना कि ये फिजिकल अट्रैक्शन है. तो अभी भी इस रिलेशनशिप को मैच्योर होना बाकी है. एंड थ्री ऑफ एयर के साथ आई थिंक आपको ये सोचना पड़ेगा इस पॉइंट पे लिब्रा, कि क्या इस पर्सन का आप वेट कर सकते हैं, इन पे डिपेंड कर सकते हैं. क्योंकि थ्री ऑफ एयर कुछ ऐसा है जैसे कि फाइनली किसी चीज़ को जान जाना. ओके, कुछ ऐसा हो सकता है जिसके थ्रू आप फाइनली ये समझ जाएंगे कि ये पर्सन दरअसल चाहता क्या है और आगे इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा. एंड आपको पता होगा कि आपको क्या करना है. तो ये सारे कार्ड्स जो है पहले आपको एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाएंगे, पर फिर आपको डेप्थ में जाके देखना होगा कि क्या ये पर्सन डिपेंडेबल है. चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. राइज, तो हमारे पास कार्ड है राइज का. लिब्रा, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ऊपर उठने की जरूरत है इस वक्त अपने अंदर के डाउट से. बिकॉज ये चीज़ें आपकी सोल की ग्रोथ को हैम्पर कर रही हैं. इस समय ज़रूरत है अपने मन के अंदर की आवाज़ को सुनने की और जो कुछ भी मन में है उसे बाहर लाने की. अगर डाउट्स हैं तो उसे क्लियर कीजिए. इस पर्सन को क्लियरली बताइए कि आप क्या फील कर रहे हैं.
आपके लिए जरूरी है अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सोचते रह जाएंगे और आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. ओके, तो ये थी रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.